लोग आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में, कि आप अपने फ़ोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला जो ऑप्शन है आपका, वो अगर आपको इनेबल करना है तो आप कैसे करेंगे। तो गाइज वीडियो के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग आने वाली है। सिंपल सिंपल स्टेप्स जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं बस। तो चलिए गाइज यहाँ पर हम सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद गाइज यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले का, तो हम डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे। बट उससे पहले आपको एक एडिशनल ऑप्शन देखने को मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन का, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गाइस ये आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल है। यहाँ से आप कोई भी स्टाइल, कोई भी सिग्नेचर ले सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको लिखना हो। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ और लिखना हो जैसे इसको हटा के, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और एक्सपायर्ड आप यहाँ पे एक्सपायर्ड कुछ भी लिखेंगे ऐसे करके, और इसको आप सेव कर लेंगे, अपना नाम जो भी लिखना चाहें उस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके। आपको और भी क्लॉक वगैरह देखने को मिल जाते हैं, आप चाहें तो इस टाइप से क्लॉक लगा सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, यहाँ से आपका बैटरी और नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, आप चाहें तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सेटिंग है, अपने हिसाब से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, बस मैंने आपको फीचर्स बता दिए, अपने हिसाब से आप इसको सेट कर लेंगे। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।